the youngest mayor, the youngest chief minister of Maharashtra, और जिन्होंने जो गार्बेज का डिस्पोजेबल सिस्टम नागपुर में बनाया है, वो सिस्टम केवल और कारण इनके हैं, और वो हैं श्री देवेंद्र फडणवीस जी। मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ, भाई साहब आप एड्रेस मीडिया को एड्रेस करें। धन्यवाद। I request Shri Devendra Fadnavis ji, former Chief Minister of Maharashtra, to launch the manifesto. I request the youngest former chief minister and the youngest mayor, Shri Devendra Fadnavis sahab ko yahan par aake media ko address karne ke liye. Dhanyawad. ठीक है सर, वहीं आप सभी को मेरा नमस्कार। इस मैनिफेस्टो को रिलीज करने के लिए हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री बंडी संजय कुमार जी, केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय जी किशन रेड्डी जी, श्रीमती डी के अरुणा जी, डॉक्टर के लक्ष्मण जी, श्री विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित हमारे आदरणीय मुरलीधर राव जी, श्री एन रामचंद्र राव, श्री पी सुधाकर रेड्डी, श्री विवेक वेंकट स्वामी जी, श्री जी परमिंदर रेड्डी जी, श्री डी प्रदीप कुमार जी, कुमारी बंगारू श्रुति जी, और हमारे महाराष्ट्र से यहाँ पर आए महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के चीफ व्हिप श्री आशीष शेलार जी, सभी हमारे मंचासीन महानुभाव, और यहाँ पर मीडिया से आए हुए हमारे सभी बहनों और भाइयों, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के मैनिफेस्टो के रिलीज से पहले
आज संविधान दिवस है, कॉन्स्टिट्यूशन डे है और हमारे संविधान का जो प्रीएम्बल है, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने भारत को इस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से जो डेमोक्रेसी दी और हर व्यक्ति को जो स्वातंत्र्य दिया, जो अधिकार दिया, मैं ऐसा मानता हूं कि आज उसी को हम लोग याद करते हैं। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा ग्रंथ भारत का संविधान है, तो उसी दिशा को हम लोग मानते हुए आज फिर एक बार प्रतिज्ञा करते हैं कि भारत के संविधान के अनुरूप ही हम सभी लोग अपना बर्ताव करेंगे। और इस संविधान दिवस की आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज एक और दिन है, आज 26/11 है और हम सभी लोग जानते हैं पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मुंबई पर जो हमला किया था वो आज का दिवस है। ये केवल मुंबई पर हमला नहीं था, ये आतंकवादियों ने भारत की अस्मिता पर हमला किया था और उसके भी जो मार्टियर्स है, जो शहीद है, उनको भी आज हम श्रद्धांजलि देते हैं। और साथ साथ तेलंगाना राज्य की निर्मिति में जिन्होंने शहादत हासिल की, ऐसे सभी शहीदों को याद करते हुए इस बात को हम रिएट्रेट करने की कोशिश करते हैं, प्रतिपादित करने की कोशिश करते हैं कि तेलंगाना राज्य बनाने में भारतीय जनता पार्टी की बहुत अहम भूमिका रही है और भारतीय जनता पार्टी ने भी एक बहुत लंबी लड़ाई इस राज्य के निर्माण में की है। जहां तक हमारे मैनिफेस्टो का सवाल है, हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन ने आप सभी को बताया एक बहुत बड़ा कंसल्टेटिव प्रोसेस इस मैनिफेस्टो को तैयार करते समय किया गया है। यह मैनिफेस्टो लोगों की एस्पिरेशंस का रिफ्लेक्शन है। लोग क्या चाहते हैं, लोगों में जाकर लोगों की इच्छाओं को, आकांक्षाओं को हमने समझा है। कई और पार्टियों ने यहां पर अपने मैनिफेस्टो दिए लेकिन महलों में रहकर गरीब, सामान्य और मध्यम वर्गियों के दुख दर्दों को समझा नहीं जा सकता। जब तक उनसे बातचीत नहीं होती, वो क्या चाहते ये नहीं समझा जा सकता। उस बातचीत को करके इस मैनिफेस्टो को तैयार किया गया है। वैसे तो कई चीजें मैनिफेस्टो में है, आप तक मैनिफेस्टो पहुंचेगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले हम सभी लोग जानते हैं कि भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली, किंतु तेलंगाना, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा और कर्नाटक का कुछ पोर्शन यह 17 सितंबर 1948 को यहां पर पहली बार तिरंगा झंडा लहराया। और यह हमारे लिए स्वतंत्रता का दिवस है, मुक्ति का दिवस है। और हम लोग अगर देखें तो कर्नाटक में और महाराष्ट्र में हमेशा इस दिन पर तिरंगा झंडा लहराता है, स्टेट फंक्शन होता है और इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में, चूंकि पहली बार हमारा तिरंगा फहराया गया था, मुक्ति दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि तेलंगाना में इसको क्यों नहीं मनाया जाता। और इसलिए हम लोगों ने यह तय किया है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में भारत का तिरंगा जो पहली बार 17 सितंबर को फहराया गया उसको एक फंक्शन के रूप में सेलिब्रेट करेगी। और वो पहली लड़ाई
तेलंगाना के मुक्ति की, और दूसरी लड़ाई जब तेलंगाना बना तो इस पहली लड़ाई को भी बड़े जोर शोर से हम लोग यहां पर सेलिब्रेट करेंगे।